अगर आप रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर बैठे हैं और आपके पास दो तीन बड़े बड़े बैग हैं, तो किसी ने चेक किया आपको अभी तक? कोई पुलिस सुरक्षा है यहाँ पर? नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा आपसे? क्या नाम है आपका? साकिल। कितने घंटे से बैठे यहाँ पर? होगा दो घंटे। दो घंटे, दो घंटे से कोई चेकिंग वेकिंग हुई आप लोगों की? हाँ। नहीं। कोई पुलिस वुलिस ने आपके बैग वैग चेक किए? नहीं चेक किए। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? रामपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है। झंडा फहराने के बाद यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका नमूना हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि दूर दूर तक आपको यहाँ कोई यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल कोई सुरक्षा दिखाई नहीं देगी। जबकि कल की अगर हम बात करें, कल सुबह से ही तमाम चेक इन अभियान चल रहा था, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर चेक इन कर रहे थे, जो लोग संदिग्ध थे उनकी जाँच कर रहे थे, बैगों की तलाशी ले रहे थे। लेकिन अब यानी कि झंडा फहराने के बाद सारी सिक्योरिटी यहाँ से गायब हो गई है। ये देखिए, ये यात्री बैठे हुए हैं, इनके पास बैग हैं और ना इनसे कोई पूछने वाला है यहाँ कैसे बैठे हो। आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? किसी ने आपका बैग चेक किया? आप बताओ, आपका बैग चेक किया किसी ने? देखिए, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, कोई चेकिंग नहीं है यहाँ पर, कोई चेकिंग व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई पुलिस का जवान यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा है। ये मेन गेट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, प्रवेश द्वार है और यहाँ से ट्रेन का रास्ता है सामने। आप देखिए, यहाँ पर कोई चेकिंग यहाँ पर नहीं की जा रही है, पुलिस का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं लग रहा है। सामने देखिए, यहाँ पर एक डॉगी है जो आराम से सो रहा है। सामने एक तस्वीर है देश के प्रधानमंत्री की जो फटी हुई रखी है, स्वच्छता ही सेवा है। इसके अलावा और अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड नजर आए, कोई सिक्योरिटी हमें नजर आए। देखिए, इस साइड में भी दूर दूर तक कोई पुलिस का जवान हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी साइड को भी दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आएगी। जब तक कल की अगर हम बात करें तो कल यहां पर सिक्योरिटी काफी मजबूत थी। मेन गेट को फिर दोबारा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये निकास गेट है और यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था हमें नजर नहीं आ रही। ऐसे में सवाल यह है कि राष्ट्रीय त्योहारों पर या त्योहारों से एक दिन पहले सिक्योरिटी सिर्फ दिखावे के लिए लगेगी, अगर कोई बड़ी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रामपुर से पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए ओमपाल सिंह, रामपुर।